Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, basic classes khatam ho chuka hai, end ho chuka hai, finish ho chuka hai. Aur umeed karta hoon ki jo bhi friend hamare roz ka class attend kar rahe hain aur hamare class se English sikhne ki koshish kar rahe hain, wo zarur unko fayda hua hoga, zarur improvement hui hogi unki English mein. Aur phir bhi abhi bhi kuch agar confusion baki reh gaya hai ya अभी भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, तो ये क्लास, आज की क्लास जो हमारी है, ये क्लास में, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश आपको बोलना शुरू कैसे करना है और किस तरह से अपने इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट लाना है. फ्रेंड्स, अंत तक ये वीडियो देखना आप, लास्ट तक. पूरी बेसिक का निचोड़ मैं इस क्लास में बताने वाला हूँ और किस तरह से आप इंग्लिश बोलना शुरू करें और किस तरह से आपके इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आए, ये सारे के सारे रास्ते मैं आपको बताऊँगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको तीन चीज़ें करनी है, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, यानी कि स्पीकिंग की कोशिश करनी है, ट्राई करनी है आपको कि जो कुछ भी आप सीखते जा रहे हैं और जो कुछ भी जानते हैं या जो कुछ भी आप सीख चुके हैं उसका बोलने का प्रैक्टिस करना है आपको, उसको बोलना है आपको, यूज़ करना है. जब तक आप यूज़ नहीं करोगे, यूज़ करना शुरू नहीं करोगे, तब तक आप इंग्लिश बोलना कभी नहीं सीख सकते. ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक मतलब एक बात कहता हूँ कि अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा. अगर आप नदी के किनारे बैठकर बोलेंगे कि जब तक मुझे तैरना नहीं आएगा तब तक मैं पानी में उतरूंगा नहीं, तो ये कभी हो सकता है? आप किनारे में बैठे बैठे आप कभी तैरना सीख सकते हो? नहीं सीख सकते हो. आपको उसके लिए पानी में उतरना ही पड़ेगा. मीन्स अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो आप इंग्लिश की क्लासेस करो, जहाँ भी आप क्लासेस कर रहे हो करो, या यूट्यूब से सीख रहे हो तो यूट्यूब से सीखो. जितनी भी फॉर्मूले हैं सेंटेंसेस बनाने के हिंदी टू इंग्लिश, वो सारे के सारे पढ़ लो, आप एक बार याद कर लो अच्छी तरह से फॉर्मूलों को. उसके बाद आप बोलने की कोशिश करो, आप बोलना शुरू करो. बस आप बोलना शुरू कर दो, गलत या सही, राइट और रॉन्ग, डोंट थिंक अबाउट दिस दैट कि आप गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, कि कहाँ हैज लगेगा, कहाँ इज लगेगा, कहाँ वॉज लगेगा, ये मत सोचो. बस आप बोलना शुरू कर दो, आप बोलो कुछ भी हो, मीन्स गलत बोलो या सही बोलो, आप बोलते जाओ. देखना एक दिन यही प्रैक्टिस आपको, और आपको पता चलेगा जब आप गलत भी अगर आप बोल रहे हैं तो आपको बोलने के बाद आपको खुद को रियलाइज होगा कि मैंने गलत बोला था, फिर आप दूसरी बार उसको सही बोलने की कोशिश करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी लड़कों को इसी प्रैक्टिस के द्वारा इंग्लिश बोलना सिखाया हुआ है और आप भी सीख जाएंगे, कोई भी बड़ी बात नहीं है. फ्रेंड्स, जैसे कि अभी तक मैंने बेसिक में सारा कुछ पढ़ा चुका है, बहुत कुछ पढ़ा दिया हूँ मैं, तो जैसे आप किसी से आपको कुछ पूछना है, मतलब अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो मैं रास्ता बता रहा हूँ. अगर आपको पूछना है किसी से, कह रहे यार मेरी बुक किधर है, तो आप ये सोचो कि मुझे इंग्लिश में बोलना सीखना है तो उससे इंग्लिश में क्यों ना पूछा जाए, ताकि प्रैक्टिस भी हो. तो उसको पहले सोचो कि मेरी बुक कहाँ है, उसको हम कैसे बोलेंगे. बोलने से पहले जिसे भी हम बात करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं वहाँ इंग्लिश में बोलूँ, तो उसकी आप तैयारी कर लो, पहले ही मन में आप सोच लो, उसका ट्रांसलेट कर लो इंग्लिश में कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा. जैसे कि मेरी बुक कहाँ है, तो वेयर इज़ माई बुक, अपने मन में आपने प्रैक्टिस कर लिया कि वेयर इज़ माई बुक. फिर उससे आपके अपने मन में अपनी प्रैक्टिस कर ली कि वेयर इज़ माई बुक, फिर उससे आप बोलो कि वेयर इज़ माई बुक. ठीक है फ्रेंड, तो देखना आप यही बात दोबारा बोलोगे तो थोड़ा कम सोचना पड़ेगा, तीसरी बार बोलोगे तो थोड़ा कम सोचना पड़ेगा, और चौथी पांचवी बार बोलोगे तो फिर सोचना ही नहीं पड़ेगा. और ज़्यादातर हम बातें, रोज़ की बातें जो होती है वो 70% बातें हम दोहराते हैं, तो आप इसी वे से, इसी तरह से आप इंग्लिश सीख सकते हो, और कोई दूसरा वे नहीं है फ्रेंड्स. आप सारे फॉर्मूले याद रखो कि जैसे मुझे जाना है के लिए मीन्स जाना, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, खेलना कूदना, ये लास्ट में जब आता है ना है, तो ये फार्मूला आप याद रखना. अगर आपको ये फार्मूला याद है कि मुझे जाना है, मीन्स जाना है, खाना है, पीना है, तो उसको किस तरह से बनाते हैं, हैज़ टू, हैव टू से बनाते हैं, तो फटाक से उसको आप सोचो मन में कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो. फिर आप किसी से बोलो कि आई हैव टू गो, कहाँ जाना है, वेयर टू गो, आई हैव टू गो टू मार्केट. मीन्स
आप जब भी किसी से बात करने जा रहे हो, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि आप पार्टनर ढूंढो, या आप इंग्लिश क्लास ज्वाइन किए हो तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म है, आप रोज़ सोच के जाओ कि मुझे ये आज इंग्लिश में बोलना है, सबसे बातें करनी है, तो इसकी तैयारी करके आप जाओ। फिर आपको कुछ दिन तैयारी करनी पड़ेगी, फिर कुछ दिन के बाद आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद बोलते चले जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा आजमाया हुआ फॉर्मूला है, ये बहुत ही काम की चीज़ है, 100% वर्क करता है। आप कोशिश करके देखो, आप 1 महीने तक, सिर्फ 1 महीने तक जैसा मैं बता रहा हूँ, आप उसका करके देखो, फिर देखो क्या होता है। फिर जैसे देखो, मैं कुछ बातें करता हूँ किसी से कि तुम्हारे पास पेन है, मैंने उसको पूछा तो तुम्हारे पास पेन है, तो आप पास वाला, जितना भी पास वाला सेंटेंसेस है आप बनाना जानते हो, कि पास के लिए हम हैज हैव लगाते हैं, तो उसको पहले सोचो, डू यू हैव पेन या हैव यू पेन, तो ठीक हैव यू पेन बना लिया आपने मानो, फिर उसको आप बोलो हैव यू पेन। तो ये पहली बार आपको सोचना पड़ेगा, दूसरी बार थोड़ा कम सोचना पड़ेगा, फिर तीसरी बार और थोड़ा कम, फिर चौथी पांचवी बार फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। फिर अगर फिर किसी दिन आपको बोलने की जरूरत पड़ेगी कि आपके पास पेन है, तो आप सोचोगे नहीं, आप सीधा डायरेक्ट बोलोगे हैव यू पेन। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आपके पास पेन हैव यू पेन, आप बोलेंगे कि नहीं मेरे पास पेन नहीं है, या हाँ मेरे पास है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, यस आई हैव, मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नॉट पेन, आई हैव नॉट पेन, इस तरह से आप बोलो। मतलब कहीं भी आप किसी के, किसी फ्रेंड्स के साथ, जैसे कि मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी कि आप मोबाइल अपना साइलेंस कर लो, और कहीं भी जहाँ भी भीड़ भाड़ देखो, आप पहले झिझक निकालो मन से, झिझक निकालो, आप भीड़ भाड़ देखो, उनको क्या पता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे, किससे बात कर रहे हो, तो आप साइलेंस करके आप बात करने लगो, ऐसे ही एक्टिंग करो कि है फ्रेंड, यस 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 आई हैव टू गो टू मुंबई टुमारो, सो यस आई हैव टू मीट यू, हाँ सम वर्क, यस यस, ऐसा बात करते जाओ आप, कुछ भी आप देखना, वहाँ 4 लोग देख के आपके अंदर से, और आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर से इंग्लिश निकलेगी। ये मेरा आजमाया हुआ चीज़ है, मैंने काफ़ी लोग लड़कों को ऐसा सिखाया हुआ है। और कोई भी ऐसा पर्सन जो इंग्लिश सीख रहा हो, या इंग्लिश थोड़ा बहुत जानता हो और इंग्लिश बोलने में इंटरेस्ट रखता हो, तो उससे आप ज़्यादा आप मित्रता बनाओ, मिलो मिलो जुलो, और उससे उससे जब भी मिलते हो तो आप इंग्लिश में बोलने का मौका मत छोड़ो, चूको मत। आप ऐसे लोगों से जो इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं, इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश जानते हैं, वैसे लोगों से मिले हो तो उनसे आप इंग्लिश में ही बात करो, और जो इंग्लिश नहीं जानते हैं उनसे भी आप इंग्लिश में बात कर सकते हो एक बार। बस आपके अंदर से ये एक झिझक निकलनी चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं मैं गलत बोलूँगा कि सही बोलूँगा, या गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, ये चीज़ अपने मन से आप बिल्कुल निकाल दो। आप शुरुआत में 1-2 महीने तक एकदम फ्री हो जाओ इन बातों से कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे, आजू वाले बाजू वाले क्या सोचेंगे, मैं इंग्लिश बोलूँगा तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ये सारी की सारी बातें एकदम भूल जाओ, सोचो मत। फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि वही लोग, जो लोग आप पे हंसते थे, आपका मजाक उड़ाते थे, आपके पास आएंगे और बोलेंगे यार इंग्लिश कहाँ से सीखा, मुझे भी सिखाओ ना, ऐसा बोलेंगे। ये हुआ है, दिस इज माई एक्सपीरियंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैं जितने भी बेसिक में अभी तक हमने पढ़ा है, अगर आपने क्लास किया हुआ है रेगुलर, तो आप सारे के सारे फॉर्मूले को अच्छे से याद रखो, कि जैसे मैं आज क्रिकेट खेलने वाला हूँ, या आज मैं बाजार जाने वाला हूँ, तो टुडे आई एम गोइंग टू मार्केट, या टुडे आई एम अबाउट टू गो टू मार्केट, ऐसा हम बोलेंगे। किसी से भी हम बात करेंगे, कुछ भी बात कर रहे हैं, या तो आप अपने रूम में, अपने घर पर एक खड़े हो जाओ मिरर के सामने में, एक आईना के सामने में, और वहाँ पर एक सेकंड पर्सन उसको समझ के उससे बात करो, हाउ आर यू, उससे इंट्रोडक्शन दो अपना, अपने बारे में बताओ, अपने फैमिली के बारे में बताओ, अपने विलेज के बारे में, कुछ भी आप रोज को रोज एक टॉपिक चुन लो और उससे बातें करो, सेकंड पर्सन समझ के उसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे अब हम कुछ सेंटेंसेस के द्वारा हम जानेंगे कि किस तरह से हमें इंग्लिश बोलना है। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे हमें किसी से पूछना है, ओके, किसी से पूछना है क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है,